हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम राठौर और आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों 24 स्लॉट कूलर मोटर वायरिंग का है, जिसमें कि हम स्टार्टिंग कॉइल को स्टेटर में ऐड करना सीखेंगे। तो यह हमारा स्टेटर है, जिसमें कि हमने रनिंग कॉइल पहले से ही इंस्टॉल कर ली है। तो चलिए हम स्टार्टिंग कॉइल इसमें ऐड करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार हम स्टार्टिंग कॉइल को, जिसकी पिच 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में 3 बार रहती है, तो सबसे पहले हम 1 से 4 में कॉइल को ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम 1 2 बीच में 2 स्लॉट छोड़कर चौथी स्लॉट में इस प्रकार कॉइल को ऐड करते हैं और ऊपर से स्लॉट पेपर लगा देते हैं। अब इसी कॉइल को इस प्रकार घुमाकर खाली वाली स्लॉट में डालते हैं और यहां से पिच गिनना शुरू करते हैं। तो 1 से 6 में 3 बार घुमाकर कॉइल को ऐड किया जाता है। तो यह हमारी 1 से 6 में दूसरी बार कॉइल डल चुकी है। अब इसी को इस प्रकार घुमाकर तीसरी बार कॉइल को इस प्रकार स्लॉट के बीच में बैठालते हैं और ऊपर से स्लॉट पेपर लगा देते हैं। तो आखिरी स्लॉट में यदि वायर डालने में दिक्कत जाती है, तो थोड़े थोड़े वायर करके हम स्लॉट के बीच में आसानी से डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसका डेटा आपको बता दूं। यह स्टार्टिंग कॉइल है, जिसका गेज नंबर 32 है और इसके टर्न 120 हैं। इस कॉइल की लंबाई 30 इंच है और इसकी पिच 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में 3 बार रहती है। तो यह स्टार्टिंग कॉइल का डेटा हो गया। इस स्टेटर की कोर लेंथ 0.5 इंच है, जिसे 6 सूद भी बोला जाता है। तो अब हम अगली कॉइल को इसमें ऐड करेंगे। तो बीच में एक खाली स्लॉट छोड़कर 1 से 4 में एक बार कॉइल को ऐड करते हैं, जिन दोस्तों ने मेरा 24 स्लॉट कूलर मोटर वायरिंग पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने रनिंग कॉइल को स्टेटर में कैसे ऐड किया जाता है दिखाया है, वे पार्ट 1 जरूर देखें। उसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पार्ट 1 में मैंने रनिंग कॉइल के डेटा की जानकारी दी है और उसमें मैंने किस प्रकार रनिंग कॉइल ऐड की जाती है, उसका गेज, कॉइल की लंबाई, सब कुछ पार्ट 1 में दिया है। तो देखिए दोस्तों, 1 से 6 में यह हमारी
ऑयल ऐड हो रही है। इस प्रकार हम एक से छः में ऑयल ऐड कर लेते हैं। बीच बीच में ऑयल को सही प्रकार से एडजस्ट किया जाता है ताकि इसके स्टेटर के बीच में रोटर को डाला जाता है, तो रोटर डालते समय ऑयलें रोटर से छिले नहीं तो मोटर जलने का डर रहता है और मोटर हाल्ट हो सकती है, जल जाती है। तो स्टार्टिंग कॉइल मैंने ऑलरेडी कनेक्शन वाली बनाई हुई है। इसमें दो ही वायर बाहर निकले हुए हैं, एक पहली कॉइल का और एक आखिरी कॉइल का। तो एक वीडियो में ऑलरेडी कनेक्शन वाली कॉइल कैसे बनाते हैं उसका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। तो इसके कनेक्शन सीरीज में किए जाते हैं। पहले हम एक कॉइल जहाँ से बनाना शुरू करते हैं उसको हम प्लस मान लेते हैं और दूसरे सिरे को माइनस मान लेते हैं। तो अगली कॉइल के माइनस में माइनस को जोड़ते हैं और प्लस में प्लस को जोड़ते हैं और फिर माइनस में माइनस को जोड़ते हैं, तो आखिरी में प्लस वायर बाहर निकलता है। शुरू वाली कॉइल का प्लस वायर बाहर निकलता है और आखिरी वाली कॉइल का प्लस वायर बाहर निकलता है। तो इस प्रकार हमारे कनेक्शन हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मेरा उद्देश्य स्टार्टिंग कॉइल को किस प्रकार स्टेटर में ऐड करते हैं यही दिखाना है। कनेक्शन पर मैंने इतना जोर नहीं दिया है। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके कनेक्शनों को भी आपको किस प्रकार करते हैं वह वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगा। तो देखिए दोस्तों, यह हमारी चौथी कॉइल एक से छः में डल रही है। इस प्रकार घुमाकर एक से छः में तीसरी बार कॉइल को ऐड करते हैं और ऊपर से स्लॉट पेपर लगा देते हैं। स्लॉट पेपर लगाते समय ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी वायर स्टेटर से टच ना हो और स्लॉट पेपर लगाते समय कोई भी वायर टूटे ना, नहीं तो
सीरीज लैंप से चेक करने पर हमारी कॉइल सीरीज बल्ब नहीं जलेगा। तो इस प्रकार हमारी स्टार्टिंग कॉइल स्टेटर में डल चुकी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग कॉइल इसमें ऐड कर ली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।